नवोदया संघर्ष समिति के लिए लोग एकत्रित हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक 4 वर्ष की बच्ची के साथ जो दुराचार किया गया उसके कारण से समाज में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि इस प्रकार के दरिंदे इस समाज में खुले घूम रहे हैं, जिनके कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसके कारण से असुरक्षित हैं। तो यहाँ का पूरा समाज बड़ा आक्रोशित है, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी बहुत सारी मांगे हैं प्रशासन से, लेकिन एक जो उनकी मांग है वो ये है कि जिस घर में वो पढ़ने के लिए छोटी बच्ची जाती थी और उस घर की जो बच्ची पढ़ाती थी उसने उन दुराचारियों को ये मौका दिया कि वो इस बच्ची के साथ ये कर सके, क्योंकि वो उस समय उसको वहाँ अकेला छोड़ करके चली गई, तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते से उनको जिन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए था, जिस नैतिकता का पालन करना चाहिए था, उस ट्यूटर ने उस नैतिकता का पालन नहीं किया, बल्कि उसने अपने दुराचारी भाइयों को ये मौका दिया कि वो इसके साथ ये दुराचार कर सके, पहली बात। दूसरी बात, वो जो बच्ची है उसको पुलिस ने डिटेन किया हुआ है, किसी को पुलिस मिलने नहीं दे रही है, तो उस बच्ची की हालत क्या है, उस बच्ची का स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं जो पुलिस बता रही है। तीसरी बात यह है कि इन पूरे परिवार की पहले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जांच हो करके इस पूरे परिवार को तड़ी पार करना चाहिए, दिल्ली के अंदर हम ऐसे परिवारों को रहने नहीं देंगे। पुलिस जिस तरह से की प्रक्रिया अपना रही है, जिस तरह से उस परिवार को लगातार सुरक्षा दे रही है, तो क्या आप इससे खुश हैं? इससे समाज बहुत आहत है, इसके कारण से ही समाज बहुत आहत है कि इस प्रकार के दोषियों को यदि पुलिस सुरक्षा देगी तो उसके बाद तो बाकी जो दुराचारी हैं उनका और हौसला बढ़ जाएगा, इसलिए पुलिस को उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अगर पुलिस उनको सुरक्षा देना चाहती है तो पूरे परिवार को गिरफ्तार करके तुरंत जेल में भेजे, वो सुरक्षित भी रहेंगे और समाज भी सुरक्षित रहेगा, यही समाज की मांग है। जिस तरह से पूरा परिवार के होते हुए कहीं ना कहीं ये जघन्य अपराध हुआ, क्या आपको लगता है कि पूरा परिवार इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है? हाँ, पूरा परिवार इस षड्यंत्र में सम्मिलित है, क्योंकि ये उस परिवार के साथ कोई पहला आपराधिक घटना नहीं है, उस परिवार के ऊपर इससे पहले भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं के अनेक आरोप हैं, इसलिए ये पूरा परिवार और आसपास के लोग बताते हैं कि इस प्रकार की दबंगी को पूरा परिवार वहाँ करता है और लोग उनके आतंक से त्रस्त हैं, तो इसलिए इस पूरे परिवार को ही गिरफ्तार करना चाहिए और इनको तड़ी पार करना चाहिए। हमें अपने ही देश में अपनी बहन बेटियों के लिए लगातार इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए एकत्रित होकर न्याय की मांग करनी पड़ती है, अगर ऐसा क्यों? तो हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि अनेक घटनाक्रमों में दिल्ली में जैसे ही हमारे बच्चे इनके संपर्क में आते हैं, वो जो एक रोड पर लिखा होता है ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो स्लोगन हमारे ऊपर लागू हो जाता है। बुराड़ी की एक घटना थी, हमारी बच्ची उसके ऑटो में बैठ के जाती थी जिहादी के, उसने उससे प्रेम का नाटक किया, 9 दिन बाद ही राधा नाम की बच्ची को मार दी, यहाँ ये बच्ची पढ़ने के लिए जाती थी उसके साथ दुराचार कर दिया। इन सभी घटनाओं से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे समाज को इनसे पर्याप्त दूरी रख करके व्यवहार करना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरह से न्याय प्रक्रिया की मांग की जा रही है, क्या इसका असर कहीं ना कहीं प्रशासन पे या सरकार पे इसका कोई दबाव बनेगा? निश्चित रूप से दबाव बनेगा, जिस प्रकार से समाज यहाँ आक्रोशित होकर के इकट्ठा हुआ है, और समाज केवल आज नहीं इकट्ठा हुआ, घटना वाले दिन से आज तक लगातार समाज जो है बना रहा है, और मेरे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन पर इसका दबाव बनेगा, और यदि प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो मुझे लगता है ये ज्वालामुखी बन के कहीं फट ना पड़े किसी से। एक और चीज़ देखने में आ रही है कि जिस तरह से सारे के सारे हिंदू संगठन एकत्रित हुए लेकिन विपक्षी दल कहीं भी उसकी मौजूदगी नहीं है कि इस घटना की के लिए न्याय की मांग करे या कहीं इस घटना को आगे वर्तमान में हम विपक्ष कह रहे हैं, वो सारे दल वो हैं जो हिंदू के आहत होने पर हमेशा चुप रहते हैं, उनके वकील हिंदू के आहत होने पर वोट नहीं जाते, उनके लेखक हिंदू के आहत होने पर लेख नहीं लिखते, उनके पत्रकार हिंदू के आहत होने पर मीडिया बाइक नहीं चलाते, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं हिंदू के आहत होने पर वो चुप हो जाते हैं, ये पूरा का पूरा विपक्ष एंटी हिंदू है, ये स्पष्ट दिखाई देता है कि इतनी गंभीर घटना के ऊपर भी दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका कोई नेता कुछ नहीं बोल रहा है, कांग्रेस के राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कपिल सिब्बल कुछ नहीं बोल रहा है, वामपंथी पत्रकार और वामपंथी लेखक साहित्यकार कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये दिखाई देता है ये पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो एंटी हिंदू है।
समाज को आप इस घटना से प्रेरित होते हुए आखिर आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आगे के लिए हम सतर्क रहें? हिंदू समाज से कि हमको सतर्क रहना होगा, इन जिस प्रकार के ये लोग हैं, जिस प्रकार की इनकी शिक्षा है, जिस प्रकार के इनके संस्कार हैं, जिस प्रकार से काफिर को मारने को ये लोग जन्नत का रास्ता समझते हैं, तो हमें उन सब बातों से जागरूक होकर के इसे पर्याप्त दूरी बनाकर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हमारे साथ जी जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री, जिन्होंने अपने विचार रखे दीपक जी, और न्याय के लिए लगातार मांग चल रही है, भारी भीड़ यहां जुटी हुई है। आगे देखते हैं कि इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, और हालांकि पुलिस ने इस भीड़ को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज की हर तरह से पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद यहां लाखों की संख्या में हिंदू संगठन एकत्रित हुए हैं और न्याय की लगातार मांग चल रही है। हम आगे इस घटना पे बने रहेंगे। नमस्कार।